डोसा तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, बट आज मैं तुम्हें एक ऐसा यूनिक सेटअप दिखाने वाला हूँ और एक ऐसा यूनिक डोसा दिखाने वाला हूँ जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। तो जी, इस समय तुम फरीदाबाद के अंदर और आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ 5 फुट लंबे डोसे की मेकिंग। आ जाओ यार, एक बार भैया जी से मिलवाता हूँ। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले नाम बता दो एक बार। रंजित कुमार राय। अच्छा जी, तो अंकल जी कैसे तहलका सा मचा रखा है ऑटो में सेटअप लगा के? वैसे ही। तो ये आइडिया कैसे आया है ऑटो में सेटअप लगाने का? मतलब नए नए आइटम लगाएंगे तभी तो लोग आएंगे। अच्छा जी, मतलब यूनिक यूनिक चीजें लगाओगे। अच्छा, तो आज हमें क्या खिला रहे हो बताओ? डोसा। डोसा खिला रहे हो? कौन सा डोसा खिला रहे हो? मसाला डोसा। अच्छा, मसाला डोसा। तो पहले बताओ कौन कौन से डोसे मिल जाते हैं यहाँ पे? मसाला है, मैसूर है, बटर है, पनीर है। अच्छा, कोई यूनिक चीज है यहाँ पे? सारा यूनिक ही है और क्या है। अच्छा, सारी चीजें यूनिक ही हैं। तो आज कुंभकर्ण डोसा खिलाता हूँ आपको। अच्छा, कुंभकर्ण डोसा। भाई साहब ये कैसा नाम है? अरे खा के तो देखो। खा के देखे तो बताओ कितने इंच का डोसा है हमारा? पूरे तवे पे आ जाएगा क्या? हाँ जी, पूरे तवे पे आ जाएगा। पूरे तवे पे आ जाएगा। चलो बताओ किस तरीके से बनता है हमारा कुंभकर्ण डोसा। तो ये कितना बैटर यूज हो जाता है इसमें हमारा? इसमें हो जाता है 3-4 करोड़। अच्छा जी, भाई साहब देखो कितने बढ़िया तरीके से, मतलब पहले तो पूरे तवे को गार्निश कर दिया गया है। भाई साहब डोसा देखो, भैया कितने फीट का होने वाला है हमारा ये डोसा? 5 फीट का। 5 फीट का? तो एक बंदा खा लेता है कैसे? हाँ, खा लेगा। भाई साहब बहुत बेहतरीन तरीके से देखो भाई साहब हमारे यहाँ पे डोसा बन रहा है। तो अंकल जी कितना टाइम हो गया हमारी शॉप को ओपन हुए? यहाँ पे हो गया 16 साल। 16 साल हो गए भाई साहब, बहुत बेहतरीन। तो रिस्पॉन्स कैसा रहता है कस्टमर्स का? बढ़िया बढ़िया, एकदम जेन्युइन जेन्युइन, बहुत बेहतरीन। ये आ जाता है देखो भाई हमारा, ऊपर से आ जाता है ऑयल। अब इसको करेगा अच्छे से पकाया जाएगा। सबसे पहले मेरे को अपनी लोकेशन बता दो एक बार हमारे व्यूअर्स को। ये है 3 नंबर प्रधान हॉस्पिटल, 2-3 के चौक पे। अच्छा, 2-3 के चौक पे प्रधान हॉस्पिटल के सामने? सामने। बहुत बेहतरीन। भाई साहब डोसा देखो कितना ही जंबो सा लग रहा है एकदम। अंकल जी कितने बजे आ जाते हो यहाँ पे शॉप पे? शाम को 4 से 10। अच्छा जी, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। कितनी आइटम्स मिल जाती है हमारे इस टाइम में यहाँ पे? इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम। अच्छा, मतलब सारी डोसा सारे मतलब अवेलेबल है साउथ इंडिया? बहुत बढ़िया। आ जाओ यार, एक बार मैं तुम्हें दूसरी साइड से भी भैया का पूरा सेटअप दिखा देता हूँ, किस तरीके से भैया ने यहाँ पे सेटअप लगा रखा है। देख सकते हो ऑटो को बिल्कुल मतलब हेलीकॉप्टर ही बना दिया भैया ने। इंडियन हो और जुगाड़ नहीं किया तो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बैटर में क्या क्या चीजें यूज हो जाती है? चावल और दाल होता है। अच्छा, चावल और दाल होता है। तो मतलब कितने टाइम में बन के रेडी हो जाता है हमारा बैटर? बैटर कम से कम 4-5 घंटे चाहिए। अच्छा, तो क्या क्या चीजें आ जाती है इसमें हमारी कुंभकर्ण डोसा में? ओनियन हो गए, प्याज, टमाटर, सलाद हो गए, बाकी आलू हो गए, आलू का। अच्छा, आलू की फीलिंग देखो भाई साहब एक बार कितने बेहतरीन तरीके से, रंगत देखो एक बार ये आलू होगी, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऊपर से आ जाती है हमारी यहाँ पे हरी धनिया गार्निशिंग के लिए, बहुत बेहतरीन। एक चीज और क्या क्या हमारा कुंभकर्ण डोसा के अलावा? ये हरी चटनी है। अच्छा, ये हमारी आ गई हरी चटनी। ये नारियल की चटनी हो गई। ये नारियल की चटनी आ गई हमारी। भैया ये लाल चटनी कौन सी है हमारी? चुकंदर प्याज की। एक बार दिखाना भैया कौन सी हमारी यहाँ पे चुकंदर प्याज की। भाई साहब एक बार ये चटनी की तरफ देखो आप, चुकंदर प्याज की हमारी ये चटनी है, बहुत बेहतरीन। भाई साहब चटनी की रंगत देखो एक बारी। जी एक बार मेरे को कुंभकर्ण डोसे का रेट बताओ आप, कितना रेट? 150 रुपए का डोसा हमारा, डोसा के लिए प्लेट लगाई जा रही है। भाई साहब देखो कितना बेहतरीन लग रहा है हमारा कुंभकर्ण डोसा। ओ भाई साहब, मतलब हमारा 5 फुट का डोसा बन के रेडी हो चुका है भाई साहब, बहुत बेहतरीन। तो एक बार सांबर की तरफ नजर उठा के देखो, अंदर देखो वड़े तैर रहे हैं यहाँ पे। ओए होए होए भाई साहब, ये देखो हमारा कुंभकर्ण डोसा कितना बेहतरीन सा लग रहा है। भाई साहब देखो यहाँ पे हमारा कुंभकर्ण डोसा जो है यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। एक बंदे के बस की तो बात है नहीं से खाना, बाकी एक बार ट्राई करके देखते हैं। सबको जाना चाहता है फैमिली के साथ यहाँ पे, देख सकते हो सिटिंग का भी यहाँ पे भैया ने पूरा अरेंजमेंट कर सकता है। यहाँ पे देखो हमारा ये जो डोसा बन के रेडी हो चुका है भाई, रंजीत डोसा। तो एक बार आज एक बार डोसे को ट्राई करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। भाई साहब डोसा देखो एक बार, आप डोसे का पीस देखो भाई साहब, एकदम क्रिस्पी सा हमारा यहाँ पे डोसा है। तो आ जाओ एक बार इस डोसे को ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो ये हमारा आ जाता है सांबर। सबसे पहले ये आ जाता है हमारा सांबर, देख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके का गर्मा गर्म यहाँ पे हमारा सांबर है। साथ आ जाती है हमारी ये नारियल की चटनी। ऊपर से आ जाती है यहाँ पे भैया की यूनिक चीज देखो एक बार, नारियल चकुंदर की चटनी और यहाँ पे धनिया पुदीने की चटनी। मतलब एक बार इसको मैं टेस्ट करके देखूंगा, मैंने ऐसी चटनी कहीं पे भी नहीं देखी है। तो एक बार आ जाओ इसको टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा सांबर आ गया, साथ में आ गई है हमारी यहाँ पे थोड़ी सी नारियल की चटनी। तो एक बार आप इस चटनी को भी टेस्ट करके देखते हैं, बहुत बेहतरीन टेस्ट है भैया, मस्ट रिकमेंड करूंगा। एक बार यहाँ पे आके आप ट्राई करके देखो खाना। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक क्लिप, बाय बाय।